हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप के सब बढ़िया होंगे। तो यहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और न्यू इंटरेस्टिंग जॉब, और ये जॉब आप सभी लोग कर सकते हैं, चाहे आप 10th पास ही क्यों ना हो। अगर किसी को इंग्लिश बोलने में भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी जॉब मिल जाएंगी आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, तो आप उस जॉब को अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इन सारी जॉब्स के बारे में कि किस जॉब की आपको रिक्वायरमेंट है आपके एजुकेशन की क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो चलिए आगे मोबाइल की स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, कौन सी फील्ड में आपके लिए कौन सी बेस्ट जॉब यहाँ पर रहेगी। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन गाइज, उससे पहले आप यार अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए गाइज, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ फटाफट से अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। गाइज, जैसे कि आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, और जब आप अप्लाई करेंगे तो उसको कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको अभी लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं जियो करियर की ये वेबसाइट यहाँ पर आपको ओपन दिख रही है, और यहाँ पर आपको डिफरेंट कैटेगरीज की जॉब देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जियो स्मार्ट सेल्स ट्रेनी कि यहाँ पर जो है 7731 जॉब्स की पोस्ट निकली हुई है। साथ में यहाँ पर आप फ्रीलैंसिंग यानी कि वर्क फ्रॉम होम भी आराम से कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आप अपनी लोकेशन में ही जॉब चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको बहुत सारी ढेरों जॉब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए अभी मैं आपको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आप मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं, एचआर वगैरह की जॉब करना चाहते हैं, और साथ में कस्टमर सर्विस की जॉब करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी तक की जॉब देखने को मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो है अभी जैसे कि आप जानते हैं कि जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है ये 5G नेटवर्क फैलाते जा रहे हैं पूरी इंडिया में, तो उसी के चलते आपको भी नई नई जॉब्स यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईटी एंड सिस्टम में भी, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जॉब देखने को मिलेगी, प्रोसीजर एंड कॉन्ट्रैक्ट में भी जॉब देखने को मिल जाएगी, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, फाइनेंस के लिए जॉब देखने को मिल जाएगी। तो ढेरों सारी जॉब्स यहाँ पर भरी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग अप्लाई करने जाते हैं लेकिन वो क्या करते हैं कि पुरानी जॉब्स जो होती हैं उन पर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। तो यहाँ पर मैं आपको आज बताने वाला हूँ लेटेस्ट जॉब के लिए आप कैसे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जब आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है अपनी लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, या फिर आप क्या करना अपना जो एजुकेशन है जिस फील्ड में आप जॉब करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट करके अपनी एक अपने अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन आपकी उसके थ्रू डायरेक्ट अप्लाई भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले कि अगर आपको कस्टमर सर्विस की जॉब यहाँ से करनी है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को कस्टमर सर्विस की जॉब करनी है चैट वाली, ठीक है, या फिर कॉलिंग, तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे एडवाइज़र वो यानी कि आपको एडवाइस देनी होगी कस्टमर्स को। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लुधियाना पंजाबी, यहाँ पर आपको बहुत सारी ढेरों जॉब देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आप अपनी लोकेशन के हिसाब से सर्च कर सकते हैं, इजीली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, हम मान लीजिए हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, तो क्लिक सिंपल यहाँ पर आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्लाई नाउ का ऑप्शन यहाँ पर आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पोस्ट 27 नवंबर डेट, साथ में यहाँ पर आपको डेट भी दिखा देता हूँ, आज 27 है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए गाइज, बिल्कुल लेटेस्ट जॉब यहाँ पर निकली है आप सभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका कस्टमर सर्विस यानी कि जो आपकी डेजिग्नेशन है कस्टमर सर्विस के, रोल इसमें आपका एडवाइज़र का होगा। ठीक है, आपको एडवाइस दे करनी है कस्टमर्स को, साथ में जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ लेते हैं यहाँ पे। मैनेज ऑल कस्टमर इंट्रैक्शन एज रोस्टेड विद इन पैरामीटर रोस्टर्ड इन विद इन पैरामीटर डेमोन्स्ट्रेट ऑनरशिप ऑन कॉल व्हेन कॉन्टेक्टेड बाय कस्टमर, रेस्पॉन्ड टू ऑल कस्टमर इन अप्रिशिएट टोन एंड लैंग्वेज, यानी कि आपको बिल्कुल ही आराम से अच्छे से उनको बात करनी है, कस्टमर को जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना है, उनको समझाना है, उनको सॉल्यूशन देने हैं। ठीक है, उनको एक अच्छी एडवाइस देनी है, तो आपका यही यहाँ पर काम होने वाला है। तो यहीं इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट आपको वो जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता रखी हैं, तो इसको आप अच्छे से आगे पढ़ लेना। ठीक है, और यहाँ पर जो है 12th पास वाले हैं, ग्रेजुएशन है या 10th पास वाले हैं, वो भी अप्लाई आराम से कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन वो अलग अलग फील्ड में सबका अलग अलग है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी में भी कर पाएंगे, इन्होंने दिया हुआ है जैसे कि इसमें 10+2 वाले अप्लाई कर सकते हैं, साथ में ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। ओके, और यहाँ पर एक्सपीरियंस रिटायरमेंट
रिटायरमेंट 6 मंथ to 2 years, मिनिमम 6 मंथ एक्सपीरियंस इन BPO इज़ मैंडेटरी। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों ही यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। साथ में एक स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, लोकल स्पीक लैंग्वेज आपको जो है लोकल लैंग्वेज आनी यहाँ पर ज़रूरी है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज ज़रूरी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि कोई भी कस्टमर की प्रॉब्लम हुई उसको आप चुटकियों में सॉल्व कर सकें, ठीक है। कस्टमर फोकस आपका होना चाहिए, टेक्निकल ओरिएंटेशन, अटेंशन टू डिटेल, सर्विस माइंडसेट, तो ये सब चीज़ें आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब इसकी लोकेशन इन्होंने दी हुई है कि ये कहाँ पर ये जॉब है, ठीक है। साथ में आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि अप्लाई कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। आपको रिज्यूमे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, प्लीज़ अपडेट योर प्रोफाइल एंड अपलोड रिज्यूमे टू अप्लाई। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे सिंपली, या फिर न्यू यूज़र है तो न्यू यूज़र पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड डालना है अपना, कन्फर्म पासवर्ड करना है, फर्स्ट नेम डालना है अपना, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, और जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं यानी कि इंडिया, क्योंकि जियो इंडिया में ही चलता है तो इंडिया हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, फ़ोन नंबर, और साथ में यहाँ पे अपना जो कोड है ये नीचे वाला, इसको सेम टू सेम एज इट इज़ जैसा है वैसा का वैसा ही आपको भर देना है, ठीक है। स्मॉल लेटर्स है तो स्मॉल में, और जो कैपिटल्स हैं कैपिटल में। उसके बाद आपको सिंपली कन्फर्म कर देना है, आपका काम ख़त्म यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है फॉर्म भरने से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, और मैं यहाँ पे आपको एक सबसे अच्छी सलाह ये देना चाहूँगा, अगर आप मोबाइल से इसको अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्म को, तो आप अपना जो है डेस्कटॉप मोड ऑन कर ले। कैसा होगा वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो 3 डॉट पर जब आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद जहाँ पर आप देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है, तो आपको इस पर मार्क पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप ओपन करेंगे तो देखिए डेस्कटॉप मोड खुल गया है, तो आपको ऐसे ही ये अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ढेरों सारी जॉब्स देखने को मिल जाएगी। तो जॉब सर्च पे हम क्लिक करेंगे तो देखो अब यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पर आपको जॉब्स देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो वही इंटरफेस पैटर्न खुल जाएगा सेम टू सेम, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉगिन वगैरह कर लेना अपना। अभी यहाँ पे थोड़ा नेट में इशू आ रहा है, ठीक है। तो आप चेकआउट कर लेना, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, वहाँ पे कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, आपको टेंशन बिल्कुल मत लेना। और आपको भी यहाँ पे कोई पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री जॉब है यहाँ पे, 0 पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आराम से यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो देख लीजिए गाइस, ये डेस्कटॉप मोड खुल चुका है, तो यहाँ से आप इजीली अप्लाई करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। 1% अगर आती है तो आप लैपटॉप से भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सर्वर में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी यहाँ पर 30,000+ वैकेंसीज निकली हुई है, आराम से अलग अलग अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर से इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइज, मिलता हूँ मैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब के साथ। तो चलिए, गुड बाय गाइज, टेक केयर।